हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, कल जो आंदोलन हुआ, क्या उस आंदोलन से 17,000 प्लस के उम्मीदवारों की वेटिंग की क्या चांसेस लग रही हैं, ये एक सवाल उनके मन में बना हुआ है। क्योंकि कल के आंदोलन में जो कल NHM में देर रात तक यहाँ पर जो है कर्मचारियों का घेराव किया गया और अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ पर तत्पर खड़े हो गए, जो उनके वादे थे कि हमें आंदोलन जो है बहिष्कार करनी है इनके कामों को और आंदोलन जो है सफलतापूर्वक चलानी है, क्या उस आंदोलन से अभी तक कोई निर्णय निकला या नहीं निकला, या विभिन्न समस्याओं को जो लेकर निर्णय था वो भी क्या अस्पष्ट हुआ या नहीं हुआ, आखिर नेशनल हेल्थ मिशन जो है वेटिंग की प्रक्रियाओं को लेकर जो जवाब जो कल के रूप में निकल कर आई है अधिकारियों के तौर पर, क्या उनका कोई स्पष्टीकरण है, क्या उनकी जो ढकोसलेबाजी है क्या उसके खिलाफ़ यहाँ पर जो है NHM के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या नोटिस के माध्यम से अपडेट की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। यानी कि जो संविदा कर्मी जो कल तक अपनी मांगों को लेकर खड़े थे, वो क्या उसके बाद वाले दिन भी यहाँ पर जो है NHM का घेराव करेंगे, ब्रजेश पाठक का घेराव कर अपनी मांगों को पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप सभी की कुछ ना कुछ कमियों के कारण जो है NHM डिपार्टमेंट जो है इनकी वेटिंग की प्रक्रियाओं को रोक रहा है। अगर उम्मीदवारों की यूनिटी हो गई होती तो पहले ही कई आंदोलनों में उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है अपष्टीकरण यहाँ पर जो है सफलता मिल जाती और उनकी वेटिंग की जो प्रक्रिया है, चाहे वो फार्मिस्ट की हो, चाहे वो LT की हो, चाहे वो स्टाफ नर्सिंग की हो, उन सभी की वेटिंग की जो लिस्ट है वो अभी तक जो है फाइनली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो जाती। पर दोस्तों, क्या है, क्या पूरा जो है यहाँ पर वार्तालाप हुआ है, क्या आंदोलन आगे भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। वेटिंग की क्या चांसेस है, क्या होप है, आप सभी को क्या इसके अंदर उम्मीद रखनी है या नहीं रखनी है, वो सारी चीज़ स्पष्ट हो चुकी है और आज की इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। लेटेस्ट अपडेट और वेटिंग की प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट की जाती है। तो चलिए दोस्तों, जो कल आंदोलन हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा वेटिंग को लेकर या CHO के संविदा कर्मी की अपनी मांगों को लेकर, उन चीज़ों पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहला चीज़ तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो संविदा कर्मी जो लड़ रहे हैं उसमें आपका ही एक बहुत ही बड़ा योगदान है और उनके योगदान से आने वाले समय में आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हर जगह संविदा कर्मी को यहाँ पर जो है 25,000 यहाँ पर मिलती थी, यहाँ पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सैलरी मिलती थी, पर दोस्तों वहाँ पर UP के अंदर उम्मीदवारों को यहाँ पर 20,000 सैलरी मिलती है, यानी कि संविदा कर्मी को 20,000 मिलती है, ऑल स्टेट से यहाँ पर UP के अंदर उम्मीदवारों को कम मिलती है। इसी को लेकर उम्मीदवारों की यहाँ पर जो है लगातार जो है आंदोलन किए जा रहे हैं कि हर स्टेट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को बेहतर से बेहतर सैलरी दी जाती है, पर UP के अंदर हमारी सैलरी क्यों कम रहती है। उनकी यहाँ पर जो है ऑनलाइन जो है यहाँ पर जो है प्रक्रियाओं को लेकर है, उनके यहाँ पर जो है ADMS को लेकर है, इन सभी को लेकर क्या मांगे पूरी हुई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल देर रात तक घेराव करने के बाद भी, अधिकारियों से बात करने के बाद भी, चाहे वो वेटिंग की प्रक्रिया हो चाहे उन सभी की प्रक्रिया हो, NHM डिपार्टमेंट इस पर कोई भी स्वीकृति ऑफिशियली तौर पर नहीं दे रहा है। अनऑफिशियली तौर पर जो है कहा जा रहा है अधिकारियों को, और अधिकारियों से बात करने पर सिर्फ कहा जा रहा है कि इन चीज़ों की मंजूरी होगी, हम NHM मैडम जो है उनसे वार्तालाप करेंगे इन चीज़ों को लेकर। और आज जो है कल जिस धरना प्रदर्शन किया गया बहुत ही जोरों शोरों से, उम्मीदवारों के यहाँ पर कड़ी प्रयासों के बाद उन्होंने कहा कि इसके लिए हम एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जो भी स्पष्टीकरण होगा वो रूप से आप सभी को पता चल जाएगा। पर जितने भी उम्मीदवारों ने यहाँ पर जो है आंदोलन की प्रक्रिया संभाली थी, उन आंदोलन की प्रक्रियाओं को हर एक न्यूज़पेपर के अंदर, हर एक टेलीग्राम, हर एक आर्टिकल के अंदर यहाँ पर छापा गया, पर अभी तक जो है उन प्रक्रियाओं को दोस्तों नहीं माना गया है। इसलिए संविदा कर्मी आज भी NHM डिपार्टमेंट का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को पूरा भी करेंगे इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों, 17,000 प्लस की क्या है, दोस्तों यहाँ पर आप एक तरह से मान सकते हैं कि 17,000 प्लस की जो वेटिंग के लिए जो उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे हैं
वो इस इंतज़ार को पूरे तरह से छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट द्वारा 17,000 प्लस की वेटिंग को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन उम्मीदवारों तक साझा की नहीं जा रही है, क्योंकि उसके अंदर उम्मीदवार गए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखी, पर उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रही है। उम्मीदवारों ने यह भी सवाल किया कि क्या सर इस वेटिंग को यहाँ पर बहिष्कार कर दिया गया है, यहाँ पर यह ख़त्म कर दिया गया है, ये जारी नहीं होगी। उनके तरफ से कहना है कि सिर्फ इसकी वेटिंग की जो प्रक्रिया है वो डिपार्टमेंट जल्द ही कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करेगा, पर कोई भी साफ निर्णय नहीं निकल कर आ पाया है। यानी कि दोस्तों अगर आप यह भी कह सकते हैं कि इसकी वेटिंग का अगर उम्मीदवार होप रख रहे हैं तो वो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है बेबुनियादी होप रख रहे हैं, क्योंकि NHM डिपार्टमेंट इसके द्वारा कोई भी सीरियसनेस नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं है। वो वेटिंग जारी करेगा या नहीं जारी करेगा ये भी एक सबसे बड़ा सवाल वहाँ के लिए बना हुआ है। यानी कि उनसे वार्तालाप करने के बाद यह पता चला कि डिपार्टमेंट द्वारा NHM द्वारा कोई भी वेटिंग को लेकर एक्टिविटी डिपार्टमेंट के अंदर NHM डिपार्टमेंट के अंदर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप यह सोच सकते हैं कि जो भी उम्मीदवार अभी तक वेटिंग के लिए खड़े हैं और आगे आने वाले समय में भी खड़े हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि कम से कम इस बार संविदा में हमें जो है हमारी जो है प्रक्रिया पूरी होंगी। दोस्तों कमी भी इसमें आप सभी की है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है कि अगर आपकी यूनिटी ज़्यादा रहेगी, आपकी यहाँ पर जो है क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, तो आप सभी को एक बढ़िया यहाँ पर जो है प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और अपनी मांगों को लेकर मिलेगा। क्योंकि हर एक आर्टिकल, हर एक न्यूज़पेपर में 17,000 प्लस की वेटिंग को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है साझा नहीं की जा रही है, ना आर्टिकल में लिखा जा रहा है कि उम्मीदवार इन चीज़ों को लेकर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, पर डिपार्टमेंट इन चीज़ों को कुछ भी यहाँ पर जो है सुनवाई नहीं कर रही है। तो इसी बीच उम्मीदवारों ने हज़ारों की संख्या में 10 या 12 उम्मीदवार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ यहाँ पर उस आंदोलन में 10-12 उम्मीदवार जो है 17,000 प्लस की शामिल होकर अपनी बैनर को लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसकी वेटिंग जारी होए। पर दोस्तों 10 या 12 उम्मीदवारों से डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, उन पर कोई भी दबाव नहीं बन पा रहा है, इसलिए वो इन चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह से इग्नोरेंस से आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में 7 महीना या 8 महीना बाद इसकी वेटिंग जारी की जाए, पर तत्काल प्रभाव से डिपार्टमेंट इस पर खुद ही काम नहीं कर रही है। तो आप सभी की जो वेटिंग की जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम लग रही है इन चीज़ों को लेकर। पर आंदोलन की प्रक्रिया अभी भी चालू है, देखना है कि जो वेटिंग की लिस्ट है वो क्या इस आंदोलन में उम्मीदवार अपनी बातों को यहाँ पर मना सकते हैं डिपार्टमेंट से या नहीं मना सकते हैं। पर अभी